प्रायोजक है होटल फाइव सेंसेस एक एक टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, जरूरतमंदों को दिए जाएंगे कंबल। धड़ल्ले से खुल रहे हैं प्रशासन की ओर से सील हुए हॉस्पिटल, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा जल्द से जल्द जांच होकर होगी कार्यवाही। विकास कार्यों के लिए चिन्हित की जा रही हैं जमीनें, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 2020 बैच के आईएएस अधिकारी नेहा बंधु ने संभाली एसटीएम सदर की कमान। कैंट थाना अंतर्गत चार अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर, एसपी सिटी ने दी जानकारी। अभी ठंड में पुरानी ही व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं रैन बसेरे, नगर निगम की मेहरबानी का है इंतजार। रामगढ़ताल थाना अंतर्गत दो वाहन चोरों पर लगा गैंगस्टर। 13वीं राज्य स्तरीय शिल्प प्रतियोगिता का राप्ती नदी के तट पर हुआ आयोजन, रेत की आकृतियों में दिखा शिल्पियों का हुनर। मतदाता सूची से नाम काटने का विरोध कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता, सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। गोरखपुर के होनहारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेश किया नायाब तोहफा, बनाया पुलिस और सैनिकों के लिए सुपर हाईटेक हेलमेट। आदिवासी विकास सेवा संस्थान के लोग कर रहे हैं गौर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने की मांग, किया जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के तहत बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुई खेल की विभिन्न प्रतियोगिताएं। आगामी ठंड